दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 132 रन और एक पारी से जबरदस्त शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल सदमे में है और फाइंड आउट कर रही है कि इस मैच में उनकी इतनी शर्मनाक हार कैसे हो गई। तो एक बार फिर से हम WTC फाइनल की जो रेस है उसकी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहले मैच में हार के बाद अपडेटेड पॉइंट्स टेबल कैसी दिख रही है उस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर टॉप पर अभी भी ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, जिसके 70.83% ऑफ पॉइंट्स हैं, जो कि पहले 75% ऑफ पॉइंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के। तो पहली हार से ऑस्ट्रेलिया को लगभग 5% ऑफ पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। और जो दूसरी टीम है पॉइंट्स टेबल में वो इंडिया है। इंडिया के यहाँ पे 61.67% ऑफ पॉइंट्स हैं, जो कि पहले इंडिया के 58.93% ऑफ पॉइंट्स थे। तो इंडिया को जीत से परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स में बूस्ट मिला है। और जो तीसरी टीम है पॉइंट्स टेबल में वो श्रीलंका है, जिसके 53.33% ऑफ पॉइंट्स हैं। और जो चौथी टीम है पॉइंट्स टेबल में वो साउथ अफ्रीका है, जिसके 48.72% ऑफ पॉइंट्स हैं अपडेटेड पॉइंट्स टेबल में। तो अब दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का WTC फाइनल क्वालिफाइंग सिनेरियो देखते हैं। तो इंडिया के ऑस्ट्रेलिया से अब 3 टेस्ट मैचेस बचे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन इंडिया ने दिखाया था पहले टेस्ट मैच में और उतना लचर प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, तो इससे साफ लग रहा है कि इस सीरीज का रिजल्ट या तो 4-0 होगा इंडिया के फेवर में, या फिर 3-0 हो सकता है, नहीं तो 3-1। इसके अलावा कोई और रिजल्ट पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का एक साथ सिनारियो देखते हैं। अगर इंडिया 4-0 से ये सीरीज जीतता है तो इंडिया के 68.05% जो पॉइंट्स हो जाएंगे और इंडिया टॉप करेगा WTC पॉइंट्स टेबल को और WTC फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम होगी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के 59.65% ऑफ पॉइंट्स रह जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को फिर न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका वाली सीरीज के रिजल्ट का इंतजार करना होगा और ऐसी उम्मीद रखनी होगी कि श्रीलंका कहीं दोनों टेस्ट न जीत जाए न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड से। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। अगर इंडिया 3-1 से जीतेगा ऑस्ट्रेलिया से तो इंडिया के 63% ऑफ पॉइंट्स रहेंगे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के 65% ऑफ पॉइंट्स रहेंगे। तो दोनों ही टीम्स क्लियर कट WTC फाइनल में होंगी। अगर इंडिया 3-0 से जीतता है ऑस्ट्रेलिया से तो इंडिया के 64% ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के 61% ऑफ पॉइंट्स रहेंगे और दोनों ही टीम्स WTC फाइनल में होंगी। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल 7 जून से आपको लंदन के ओवल मैदान पर देखने को मिलेगा। अगर 3-0 जो रिजल्ट है वो होता है तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से बहुत ही माइनर अंतर के साथ ही क्वालिफाई करेगी, क्योंकि श्रीलंका अगर 2-0 से न्यूजीलैंड में जीत जाती है तब भी ऑस्ट्रेलिया से आगे नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर साउथ अफ्रीका लगभग WTC फाइनल की रेस से बाहर है और वहीं श्रीलंका का भी बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है। अगर वो 2-0 से न्यूजीलैंड में कोई हीरोइक्स कर दें, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा दें, जिसके बहुत ही कम चांसेस है। तो दोस्तों, ये था अपडेटेड WTC पॉइंट्स टेबल और टीम्स का WTC फाइनल क्वालिफाइंग सिनेरियो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच के बाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन WTC फाइनल खेलेगा और इस WTC साइकिल 2021 से 23 का चैंपियन बनेगा, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकमैच को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।